लास्ट क्लास में मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग बताया था, ठीक है, और आपके कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स बताए थे, ठीक है, कि क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने होते हैं, ठीक है, मेनली कितने होते हैं, 13 आपके क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जिसमें कि एक आपका प्रेजेंट ही नहीं होता है। कौन सा होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर जो आपका नहीं होता है, कौन सा है वो क्लॉटिंग फैक्टर, फैक्टर फैक्टर 6 में सिक्स, पक्का सिक्स तो होता है, ठीक मैम। है, ठीक यस मैम पक्का 6। है। आज का टॉपिक है आपका ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, ब्लड ग्रुप आपके कितने होते हैं, मेनली आपके चार टाइप के ब्लड चार ग्रुप, मैम हाँ मेनली आपके चार। चार ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है, ए बी और ओ, ठीक है, आपके ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये किस प्रेजेंस में आपके ब्लड ग्रुप कैसे वो किया गया है, ठीक है, एक मतलब वो थे साइंटिस्ट थे लैंड स्टीनर एंड वीनर ने इसको क्या किया था, ब्लड ग्रुप को डिस्कवर्ड किया गया था, ठीक है, इनके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, लैंड स्टीनर एंड वीनर, ठीक है, आपके ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंटीजन आपका फॉरेन सब्सटेंसेस होता है, ठीक है, और एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है कि क्या ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, फिर एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करती हैं, एक रिएक्शन करती हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच बनता है, ठीक है, मान लो, ठीक है, ब्लड है आपका, ठीक है, ब्लड में आपके क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है आपका, मैम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। RBC, WBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लाज्मा बट हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, प्लाज्मा और RBC की बात करेंगे, WBC और प्लेटलेट्स की बात नहीं करेंगे, होता मतलब वही है ब्लड में, बट हमें यहाँ पे किसकी बात करनी है, प्लाज्मा और RBC की, ठीक है, ब्लड ब्लड में प्लाज्मा, पहले प्लाज्मा में आपका क्या होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंटीबॉडी क्या करते हैं आपके, डेफिनेशन लिखाई थी क्या एंटीबॉडी एंटीजन की, उसमें पहले समझ लो, ठीक है, प्लाज्मा में आपके एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी को आप किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है, दो तरह के आपके एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है, अब आज से RBC में आ जाओ, ठीक है, प्लाज्मा आपका क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, फ्लूड टाइप का होता है जो आपके उसमें ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, अगर आप उसको क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आपको प्लाज्मा किस फॉर्म में आ जाएगा, आपका कलरलेस, मतलब थोड़ा क्या होता है, थोड़ा पेल येलो कलर का आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, RBC में क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, RBC के सरफेस पे आपके क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंटीजन भी दो टाइप के होते हैं, ए और बी, ठीक है, RBC के सरफेस पे आपके एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन्हीं के बेस पे आपके क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप डिवाइड होते हैं, ठीक है, और RBC प्लाज्मा में आपके क्या होते हैं, RBC कैसा होता है, एक मतलब मॉलिक्यूल्स टाइप के होते हैं, ठीक है, थोड़े सॉलिड टाइप के होते हैं, ठीक है, वो प्लाज्मा में क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा में ही होते हैं, जब आप ब्लड को क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आपका प्लाज्मा अलग हो जाएगा और RBC, WBC वगैरह ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है, बट हमें यहाँ पे किसकी बात करनी है, प्लाज्मा और
आरबीसी की बात करनी है, ठीक है? उनको थोड़ा भूल जाओ कि डब्ल्यूबीसी और उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है? पहले लिखो, लिखो हेडिंग डालो, ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन। इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन ऑन द सर्फेसिस, ऑन द सर्फेसिस ऑफ देयर रेड ब्लड सेल्स, ऑफ देयर रेड ब्लड सेल्स। दीज एंटीजन्स which are inherited, these antigens which are inherited, I N H E R I T D T E D, inherited, determine the individual's blood group, individual's blood group. A blood type, ब्रैकेट में लिखो, ऑल्सो कॉल्ड ए ब्लड ग्रुप ब्रैकेट बंद, इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंसेस on the surface of RBC and inherited antigenic substances on the surface of RBC. Next line में लिखो, these antigens may be proteins, carbohydrates, comma glycoproteins or glycolipids depending on the blood group system. नेक्स्ट लाइन में लिखो, सम ऑफ दीज एंटीजन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अदर टाइप्स ऑफ सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ other types of cells of various tissues. इसको पहले समझ लो कि क्या होते हैं आपके एंटीजन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? विच आर इनहेरिटेड, ठीक है? वो क्या होते हैं आपके इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मीन्स आपके जो आपको उससे मिलते हो, क्या बोलते हैं, पूर्वज से मिलते हो, ठीक है? जैसे आपके जेनेटिक
जेनेटिक डीएनए आपको कहाँ से मिलता है? इनहेरिटेड होता है। ए ब्लड टाइप, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड ब्लड ग्रुप, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, जो आपका ब्लड ग्रुप है वो किसके ऊपर बेस्ड है? प्रेजेंस ऑफ और अब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, उसमें एंटीबॉडीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दीज एंटीजेंस मे बी प्रोटीन। जो आपके एंटीजेंस होते हैं वो क्या होते हैं? आपके आपके प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यस मैम। अब हेडिंग डालो ब्लड ग्रुप सिस्टम, हेडिंग डालो ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसमें लिखो ए कंप्लीट ब्लड टाइप, ए कंप्लीट ब्लड टाइप वो डिस्क्राइब ए फुल, डिस्क्राइब ए फुल सेट ऑफ टाइप वुड डिस्क्राइब ए फुल सेट ऑफ 30 सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी एंड इंडिविजुअल्स ब्लड टाइप एंड इंडिविजुअल ब्लड टाइप्स is one of many possible combinations and individual's blood type is one of many possible combinations of blood group antigens, many possible combination of blood group antigens नेक्स्ट लाइन में लिखो अक्रॉस द 36 ब्लड ग्रुप सिस्टम, अक्रॉस द 36 ब्लड ग्रुप सिस्टम कोमा 308 डिफरेंट ब्लड ग्रुप एंटीजन, 308 डिफरेंट ब्लड ग्रुप एंटीजन हैव बीन फाउंड। हेडिंग डालो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ए बी ओ कैपिटल लिखना है, तीनों वर्ड आपको क्या लिखने हैं? कैपिटल लिखने हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम, द ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, द ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन्वॉल्व्स टू एंटीजन्स एंड टू एंटीबॉडीज, involves two antigen and two antibodies found in human blood. The two antigens are antigen A, कैपिटल ए, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। द टू एंटीबॉडीज आर एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों क्या होंगे? स्मॉल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो द एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन द आरबीसीज एंड द एंटीबॉडीज इन द सीरम,
एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन द आरबीसीज एंड द एंटीबॉडीज इन द सीरम। सीरम को ही आप क्या बोलते हो? प्लाज्मा। प्लाज्मा को आप सीरम भी बोल सकते हो, SERUM, सीरम। रिगार्डिंग द एंटीजन प्रॉपर्टी, रिगार्डिंग द एंटीजन प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड, रिगार्डिंग द एंटीजन प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड ऑल ह्यूमन बींग्स, रिगार्डिंग द एंटीजन प्रॉपर्टी ऑफ द ऑल सॉरी रिगार्डिंग द एंटीजन प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड ऑल ह्यूमन बींग्स कैन बी क्लासिफाइड एज, कैन बी क्लासिफाइड एज फोर ग्रुप्स, फोर ग्रुप्स। इसमें लिखो एंटीजन ए, एंटीजन ए, एंटीजन ए, ब्रैकेट में लिखो ग्रुप ए, एंटीजन ए, ब्रैकेट में लिखो ग्रुप ए। नेक्स्ट उसमें पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो एंटीजन बी, एंटीजन बी, ब्रैकेट में लिखो ग्रुप बी, ग्रुप बी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो एंटीजन ए एंड बी, एंटीजन ए एंड बी, ब्रैकेट में लिखो ग्रुप ए बी, एंटीजन ए एंड एंड बी, ब्रैकेट में लिखो ग्रुप ए बी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो नाइदर एंटीजन, नाइदर एंटीजन, ग्रुप फोर, ग्रुप ओ, ग्रुप ओ, ठीक है। एंटीजन जिसमें आपका ए प्रेजेंट होगा वो आपका क्या होगा? ग्रुप ए। और एंटीजन बी प्रेजेंट होगा जिसमें आपका, वो ग्रुप बी होगा, ठीक है। एंटीजन ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होगी उसमें ए, ग्रुप ए बी, ठीक है। जिसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा आपका वो कौन सा होगा? ग्रुप ओ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो द एंटीबॉडीज प्रेजेंट टुगेदर, द एंटीबॉडीज प्रेजेंट टुगेदर विद द एंटीजन्स, विद द एंटीजन्स, विद द एंटीजन्स आर फाउंड एज, आर फाउंड एज फॉलोज। टुगेदर विद द एंटीजन्स आर फाउंड एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट लिखो एंटीजन ए, एंटीजन ए विद एंटीबॉडी बी, विद एंटीबॉडी बी, बी होगा आपका स्मॉल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो एंटीजन बी, एंटीजन बी विद एंटीबॉडी ए, स्मॉल ए। थर्ड पॉइंट लिखो एंटीजन ए बी, एंटीजन ए बी हैज नो एंटीबॉडीज, एंटीजन ए बी हैज नो एंटीबॉडीज। फोर्थ लिखो पॉइंट एंटीजन नील, एंटीजन नील विद एंटीबॉडी ए बी, विद एंटीबॉडी ए बी, ठीक है। जिसमें आपका एंटीजन ए होगा उसमें, यस मैम, ठीक, जिसमें एंटीजन ए होगा, ठीक है, वो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा वो आपका कौन सा होगा? ग्रुप ए, ठीक है। और सेकंड क्या है? एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी, उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ग्रुप बी, ठीक है। थर्ड कौन सा है? एंटीजन ए बी, ठीक है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे ए और बी भी, बट उनमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, वो आपकी क्या होगी? एंड ग्रुप ए बी, ठीक है। और फोर्थ कौन सा एंटीजन? इसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा और एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होंगी, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रुप ओ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो यस मैम,
नेक्स्ट लाइन में लिखो देयर इज एन एग्लूटिनेशन, स्पेलिंग बोल रही हूँ एग्लूटिनेशन की, AGGLUTINATION एग्लूटिनेशन रिएक्शन बिटवीन सिमिलर एंटीजन एंड एंटीबॉडी, बिटवीन सिमिलर एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एग्लूटिनेशन रिएक्शन वो होती है जब आपके मतलब क्लम्प टाइप के मतलब पार्टिकल्स क्या करते हैं, या एंटी एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या करते हैं, आपके क्लम्प्स बनाते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ब्रैकेट में लिखो एग्जाम्पल एंटीजन ए एग्लूटिनेट्स द एंटीबॉडी ए, एग्लूटिनेट्स द एंटीबॉडी ए एंटीजन बी एग्लूटिनेट्स द एंटीबॉडी ए, सॉरी एंटीबॉडी, ठीक है एंटीबॉडी ए। फर्स्ट में आप बी लिख लेना, ठीक है ब्रैकेट बंद। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो दस ट्रांसफ्यूजन कैन बी कंसीडर्ड सेफ एज लॉन्ग एज द सीरम ऑफ द रेसिपिएंट, एज लॉन्ग एज द सीरम ऑफ द रेसिपिएंट डज नॉट कंटेन, द सीरम ऑफ द रेसिपिएंट डज नॉट कंटेन एंटीबॉडीज फॉर द ब्लड सेल, एंटीबॉडीज फॉर द ब्लड सेल एंटीजन्स ऑफ द डोनर, डज नॉट कंटेन एंटीबॉडीज फॉर द ब्लड सेल एंटीजन्स ऑफ द डोनर। नेक्स्ट लाइन में लिखो द ए बी ओ सिस्टम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन द एसोसिएटेड एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी, द एसोसिएटेड एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी आर यूजुअली इम्यूनोग्लोबुलिन, द एसोसिएटेड एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी आर यूजुअली इम्यूनोग्लोबुलिन MIMMUNOGLOBULIN इम्यूनोग्लोबुलिन M, जिसको आप क्या बोलते हो IGI G small और M, जो आपके क्या होते हैं इम्यूनिटी के कुछ क्या होते हैं मतलब इम्यूनिटी सिस्टम में आपके प्रेजेंट होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, यूजुअली इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज। नेक्स्ट लाइन में लिखो इट हैज बीन हाइपोथेसिस
हाइपोथेसिस दैट ए बी ओ ए बी ओ आई जी एम इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ बाय सैनिटाइजेशन टू इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस such as food, bacteria and virus, such as food, bacteria and virus. ठीक है, ए बी ओ. अब हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, इम्पोर्टेंस ऑफ ए बी ओ ग्रुप इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन. इम्पोर्टेंस ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन. जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो, ब्लड डोनेट करते हो, वो किस टाइप से ए बी ओ ग्रुप आपका इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इसमें लिखो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली कंपैटिबल ब्लड मस्ट बी यूज्ड द वन हु गिव्स ब्लड is called the donor and the one who receives the blood दोबारा बोल रही हूँ. the one who gives blood is called the donor and the one who receives the blood is called recipient. ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मतलब ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपका जो कंपेटिबल होगा ब्लड वो ही देते हैं. ठीक है, जैसे जो आपका जो ब्लड डोनेट कर रहा है, मतलब जो दे रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डोनर. और जो रिसीव कर रहा है, जो ले रहा है ब्लड, उसको क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो द एंटीबॉडी ऑफ द डोनर एंटीजन ऑफ द रेसिपिएंट are ignored mostly. Thus, RBC of group O. Thus, RBC of group O has no antigen, and so. Agglutination does not occur with any other group of blood. Agglutination does not occur with any other group of blood. So group O blood can be given to any blood group persons, and the people with this blood group are called universal donor
एनी ब्लड ग्रुप पर्संस एंड द पीपल विद दिस ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, कभी कभी क्या होती है जब आपका ट्रांसफ्यूजन करते हो तब एंटीबॉडी किसकी, डोनर की, और एंटीजन किसका, रेसिपिएंट का, इग्नोर करता है एक दूसरे को, मतलब वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं बनाते हैं। ठीक है, वो दोनों एक साथ से क्या करते हैं, जॉइंट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, दस आरबीसी ऑफ ग्रो, मतलब तब हम क्या करते हैं, आरबीसी मतलब ब्लड ग्रुप ओ वो करते हैं। ठीक है, मतलब उसको ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम ब्लड ग्रुप ओ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, कि वो सबको ही दे सकता है। ठीक है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, प्लाज्मा ऑफ ए बी ग्रुप ब्लड, ए बी ग्रुप ब्लड हैज़ नो एंटीबॉडी। दिस डज नॉट कॉज एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी, फ्रॉम एनी अदर ब्लड ग्रुप। दोबारा बोलती हूँ, प्लाज्मा ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीबॉडी दिस डज नॉट कॉज एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम एनी अदर ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट लाइन में लिखो, पीपल विद ए बी ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप पर्संस। सो पीपल विद दिस ब्लड ग्रुप are called universal recipient। इसमें जो आपका, ठीक है, इसमें समझ लो, प्लाज्मा ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, प्लाज्मा, जिसके प्लाज्मा में ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, वो इसमें क्या होते हैं, एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, दिस डज नॉट कॉज एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी के साथ एग्लूटिनेशन नहीं होगा, मतलब रिएक्शन नहीं होगी उनकी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, पीपल विद ए बी ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप पर्सन, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप के जो पर्सन होते हैं वो किसी भी ब्लड ग्रुप से आपके क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं ब्लड। इसीलिए हम क्या कर, इस ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में, फर्स्ट ईयर? यस मैम। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, या अगर किसी को कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन आ रहा होगा तो बता देना। हाँ बोलो, नेटवर्क नहीं आते हमारे। ठीक है, मैं नोट सेंड कर दूंगी, आप मुझे मैम जो आपने साइड में किया था। हाँ हाँ बोलो,
मैम वो फाइल में बनाना है ना, फाइल अलग से? नहीं, आप मतलब आप अपने नो मतलब ऐसे बना सकते हो, पर मुझे सबमिट करना है, मैं चेक कैसे करूंगी उसे? जो लोकल के बच्चे हैं, रुड़की के मैम हैं, ठीक है, और रुड़की के आसपास के हैं, सहारनपुर के हैं, ठीक है, वो मुझे कॉलेज में आके सबमिट करेंगे। जो दूर के हैं, जैसे बिहार के हैं, दूर से हैं, ठीक है, मतलब जैसे यूपी के हैं, आगे की यूपी के हैं, मतलब जैसे कोई लखनऊ साइड का है, या फिर ऊपर का है, उत्तराखंड से भी ऊपर का है, मतलब पहाड़ों का है, जैसे ठीक है, कुमाऊँ का है या गढ़वाल का है, ठीक है, तो वो मुझे PDF सेंड कर सकते हो। बट अगर कोई लोकल का है, रुड़की के आसपास का है या सहारनपुर तक का भी है ना, वो मुझे कॉलेज में आके सबमिट करेगा, वो PDF सेंड नहीं करेगा। मैम नोटबुक पे बना ले हाँ, नोटबुक पे बना सकते हो। मैम, मैं तो कर सकता हूँ पीडीएफ सेंड। कौन है? और मैम जो मुजफ्फरनगर का है, मुजफ्फरनगर कितनी दूर है यहाँ से? इतना सहारनपुर है जितना मुजफ्फरनगर है?